A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up exercise 10F of chapter 10. So let's start. Question number 1 is divide the following. Students, इस question में हमें क्या करना है? Divide करना है. चलिए देखते हैं. First one is rupees 52 and 50 paise by 2. देखिए हमें इसमें divide करना है. किसको करना है? 52 रुपीज 50 पैसे को करना है 2 से. ओके, चलिए हम डिवाइड करेंगे. 52 रुपीज एंड 50 पैसे, पॉइंट लगाया, 50 लिखा और डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है. तो चलिए हम डिवाइड करते हैं 2 से. 2 का टेबल रीड करेंगे. 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 थ्री ज़ार 6. अब आप देख सकते हैं 2 को अगर हम 3 टाइम्स रीड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और जो कि 5 से बड़ा है. ओके, तो हमें क्या करना होता है? छोटा नंबर लेना होता है, या तो इक्वल लेते हैं या फिर छोटा नंबर लेते हैं. ओके, तो चलिए हम टू टाइम्स लेंगे. 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो 2 टाइम्स लेंगे. 2 टू ज़ार 4, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 टू ज़ार 4. अब देखेंगे 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आंसर आएगा? 1. 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आंसर आएगा. ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट? हम नेक्स्ट डिजिट नोट कर लेंगे साथ में. 2, 2 भी नोट कर लिया. अब हम फिर से 2 का टेबल रीड करेंगे. 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 थ्री ज़ार 6, 2 फोर ज़ार 8, 2 फाइव ज़ार 10 एंड 2 सिक्स ज़ार 12. देखिए 6 टाइम्स आ रहा है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, 2 सिक्स ज़ार 12. अब देखेंगे ये कंप्लीट कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट डिजिट हम नोट करेंगे 5. 5 नोट किया. फिर से अब 2 का टेबल रीड करेंगे. 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4. ओके, सो यहाँ पर हमने लिया 2 टाइम्स, 2 टू ज़ार 4. 3 टाइम्स लेते तो बड़ा हो जाता. 5 में से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा? 1. और नेक्स्ट हम नोट कर लेंगे 0. देखेंगे हम नंबर के नीचे ही नंबर नोट करेंगे. देख सकते हैं आप, नंबर के नीचे ही नंबर है. ओके, नाउ अब हम रीड करेंगे 2 का टेबल. 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 थ्री ज़ार 6, 2 फोर ज़ार 8 एंड 2 फाइव ज़ार 10. देखेंगे 5 टाइम्स हो रहा है हमारा 10. ओके, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है. देखिए रिमाइंडर 0 है और हमारा क्वेश्चन कितना है इसका? 26 रुपीज़ एंड 25 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज रुपीज़ 169 एंड 20 पैसे बाय 3. अब देखिए इसमें क्या करना है? इसमें भी हमको डिवाइड करना है. 169 रुपीज़ 20 पैसे का 3 से करना है. चलिए हम डिवाइड कर लेंगे. किसका करना है? 169 एंड 20 पैसे का 3 से करना है. तो चलिए 3 का टेबल रीड करेंगे. 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, 3 थ्री ज़ार 9, 3 फोर ज़ार 12, 3 फाइव ज़ार 15, 3 सिक्स ज़ार 18. देखिए स्टूडेंट्स 18 बड़ा हो रहा है, यहाँ पर तो 16 ही लिखा है, तो हमें वन नंबर कम पढ़ना होगा, मतलब 5 टाइम्स ही हमें रीड करना होगा टेबल को. तो 3 फाइव ज़ार कितने होते हैं? 15. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 फाइव ज़ार 15. 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0. नेक्स्ट हम नंबर नोट कर लेंगे 9. अब फिर से हम 3 का टेबल रीड करेंगे. 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, 3 थ्री ज़ार 9, 3 फोर ज़ार 12, 3 फाइव ज़ार 15, 3 सिक्स ज़ार 18. 3 का टेबल 6 टाइम्स रीड किया 18. हम देखेंगे 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा. आप देखिए यहाँ पे पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट के बाद का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे. और हम नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2. नाउ हम रीड करेंगे अब 3 का टेबल. 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, 3 थ्री ज़ार 9, 3 फोर ज़ार 12. 4 टाइम्स आ रहा है, 3 फोर ज़ार 12. रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा. अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट? 0, 3 ज़ीरो ज़ार 0. तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर है 0 एंड क्वेश्चन कितना है हमारा? 56 रुपीज एंड 40 पैसे. ओके, क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इफ 5 बुक्स कॉस्ट रुपीज 75 एंड 25 पैसे. अगर 5 बुक्स की कॉस्ट है 75 रुपीज एंड 25 पैसे, सो हाउ मच
विल ईच बुक कॉस्ट, और फिर अगर फाइव बुक्स की इतनी कॉस्ट है तो फिर वन बुक की कितनी होगी, एक बुक की कितनी कॉस्ट होगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कितनी बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, फाइव। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू फाइव। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फाइव बुक्स, फाइव बुक्स की कॉस्ट कितनी है, 75 रुपीज़ एंड 25 पैसे। फिर क्या है कॉस्ट ऑफ ईच बुक, एक बुक की कॉस्ट पूछिए, एक बुक की कॉस्ट कितनी है, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। अभी मैंने अभी आपको आपको बताया था कि अगर हम कोई भी अगर वन की कॉस्ट दी हुई हो, ज़्यादा की निकालनी हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किसी ज़्यादा की चीज़ों की दी हुई हो, जैसे यहाँ पे फाइव बुक्स की दी हुई है और हमको वन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे, ओके, क्योंकि इसमें ज़्यादा की कॉस्ट दी हुई है, हमको वन की निकालनी है, तो हम इसमें करेंगे डिवाइड। हम किसका डिवाइड करेंगे, 75.25 को करना है, किससे करना है, फाइव से करना है, क्योंकि फाइव बुक्स है ना, और हमको वन की पता करनी है, ये फाइव की कॉस्ट है, तो फाइव से ही डिवाइड करेंगे तो हमें वन की कॉस्ट इससे पता चल जाएगी। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, फाइव वन जार फाइव, ओके, सेवन में से फाइव को माइनस किया टू, और यहाँ पर हम फाइव नोट करेंगे। नाउ फिर से हम फाइव का टेबल रीड करेंगे, फाइव वन जार फाइव, फाइव टू जार टेन, फाइव थ्री जार फिफ्टीन, फाइव फोर जार ट्वेंटी, फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जार 25, ओके, तो देखिए क्रॉस कर देंगे। अब देखिए पॉइंट लगाया, पॉइंट का पॉइंट लगाया, नेक्स्ट हमने टू को नोट किया, ओके, बट फाइव की टेबल से टू छोटा है, तब क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट नंबर और नोट करना पड़ेगा, बट अगर हम एक साथ में अगर दूसरा नंबर भी यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर ज़ीरो लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ पर ज़ीरो नोट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट नंबर नोट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब अगेन हम फाइव का टेबल रीड करेंगे, फाइव वन ज़ार फाइव, फाइव टू ज़ार टेन, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी एंड फाइव फाइव ज़ार 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइव फाइव ज़ार 25। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारी अब वन की कॉस्ट आ गई है, वन बुक की कॉस्ट कितनी हो गई, 15 रुपीज़ एंड 5 पैसे, ओके, सो हम लास्ट में लिख देंगे The cost of each book is rupees 15 and 5 paise. Okay students, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि फाइव बुक्स की कॉस्ट है 75 रुपीज़ एंड 25 पैसे, तो फिर वन की कितनी होगी, तो देखिए हमने इसमें लिखा नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी थी फाइव, और कॉस्ट ऑफ फाइव बुक्स कितनी थी 75 रुपीज़ एंड 25 पैसे। सो हमको कितने की निकालनी थी, वन की कॉस्ट निकालनी थी, तो हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 रुपीज़ एंड 5 पैसे, ओके, सो हमने लास्ट में लिख दिया देयरफोर द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज रुपीज 15 एंड 5 पैसे। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10G, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, टिनी वेंट टू अ बेकरी एंड बॉट अ पेस्ट्री फॉर रुपीज 15 एंड 50 पैसे एंड आइसक्रीम फॉर रुपीज 12, अ पैकेट ऑफ टॉफी फॉर रुपीज 25 एंड 75 पैसे एंड टू चॉकलेट्स फॉर रुपीज 20। शी गेव अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, प्रिपेयर अ बिल एंड फाइंड आउट द अमाउंट शी कैट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, टिन्नी एक बेकरी पर गई, वहाँ से उसने एक पेस्ट्री ली, पेस्ट्री कितने की ली, 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे की, आइसक्रीम ली, आइसक्रीम कितने की ली, 12 रुपीज़ की, टॉफ़ी का पैकेट लिया, कितने का लिया, टॉफ़ी का पैकेट लिया 15, 25 रुपीज़ 75 पैसे का, और टू चॉकलेट्स खरीदी, कितने की खरीदी, 20 रुपीज़ की खरीदी। शी गेव 100 रुपीज़ नोट टू ए शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए, 100 रुपीज़ दिए। तो उसमें पूछा गया है कि हमें बोला गया है इसमें कि हमें एक बिल बनाना है और हमें पता करना है कि उसको शॉपकीपर ने कितना वापस किया होगा, कितना अमाउंट उसको वापस मिला होगा। ओके स्टूडेंट्स चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, ओके, ऐसा बनाने के बाद में हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेकरी, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी कितनी है और अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले देखिए पेस्ट्री था, पेस्ट्री कितने की ली थी, 15 रुपीज़ 50 पैसे की, और एक पेस्ट्री थी 15 रुपीज़ 50 पैसे की थी। आइसक्रीम थी 1, 12 रुपीज़ की,
टॉफ़ी थी एक पैकेट था 25 रुपीज़ 75 पैसे का, और चॉकलेट थी 20 रुपीज़ की। इन सबको हमने ऐड किया, ऐड करके कितना आंसर आ गया, टोटल कितना आ गया 73 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो देखिए उसका जो टिन्नी ने कितने का सामान खरीदा बेकरी की शॉप से, 73 रुपीज़ एंड 25 पैसे का उसने वहाँ से सामान खरीदा। ओके, कितने का खरीदा, 73 रुपीज़ 25 पैसे का। हम इसको देखिए ऐसे ऐड कर लेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है 5, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे क्या है 5 + 7 कितने होते हैं 12 होते हैं, कैरी यहाँ पर गई और 1 यहाँ पर गई, 2 हम नीचे लिखेंगे, देन हम इसको ऐड कर लेंगे 5 + 2 + 5 कितने होते हैं 12 और कैरी 1 13। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 1 + 1 + 2 + 2 कितने हो गए 2 3 4 5 6 और कैरी 1 7, तो आंसर आ गया हमारा 73.25। ये हो गया हमारा टोटल। बट हमसे पूछा गया था कि शॉपकीपर ने उसको पैसे कितने वापस किए होंगे, उसने देखिए कितने रुपीज़ दिए उसने शॉपकीपर को, 100 रुपीज़ दिए, उसका उसने स्पेंड कितने किए 73 रुपीज़ 25 पैसे। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे इसमें से इसको, तो देखिए इससे हमने बोरो किया 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, पॉइंट का पॉइंट लगाए यहाँ पर 9 थे, 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 6। ओके, यहाँ पर अगेन 9 में से 2 गए कितने बचे, सॉरी 9 में 7 गए 2 कितने बचेंगे 2। ओके, तो उसको कितने रुपीज़ वापस मिले, गेट बैक कितने मिले 26 रुपीज़ एंड 75 पैसे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 26 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10F and 10G डन की है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी एक्सरसाइज के साथ में हमारा चैप्टर भी डन हो चुका है। ओके, सो ये जो एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको करवाई है ये आपको अच्छे से समझनी है। ओके, और अच्छे से समझने के बाद में आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने लीव करे हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की अपनी रफ नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो चैप्टर है इसमें आप 1-1 करके सारी एक्सरसाइजेस दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है सभी को? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।